वर्ष 2016 में GEM यानी गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस की शुरुआत कर भारत सरकार ने एक ऐसे सरकारी ई बाजार का गठन किया जहां से विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा सामान्य उपयोग के सामानों और सेवाओं की ऑनलाइन खरीद की जा सके। इस ई बाजार में छोटे से छोटे दुकानदार अपने उत्पादों को सरकार को बेच सकते हैं और आज लगभग 60 लाख विक्रेता GEM पोर्टल पर पंजीकृत होकर अब तक 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का सामान या सेवाएं प्रदान कर चुके हैं। GEM पोर्टल ने दूर दराज के छोटे दुकानदार या रेहड़ी पटरी वालों को भी ये अवसर दिया है कि वो सरकार को सीधे अपना प्रोडक्ट बेच सके। पंचायत शासन का तीसरा एवं महत्वपूर्ण स्तर है। वर्ष 2014 के बाद से पंचायतों को हस्तांतरित धनराशि में 3 गुना से अधिक वृद्धि हुई है। इसके प्रबंधन के लिए वर्ष 2020 में ई ग्राम स्वराज पोर्टल की उत्पत्ति हुई। ई ग्राम स्वराज यानी सिंप्लीफाइड वर्क बेस्ड अकाउंटिंग एप्लीकेशन फॉर पंचायती राज, ये भविष्य में ग्राम पंचायत के अलग अलग कामों का लेखा जोखा रखने वाला सिंगल प्लेटफॉर्म बनेगा। पिछले साल पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार ने सतत विकास लक्ष्यों यानी LSDG की रूपरेखा के अंतर्गत पंचायतों को LSDG आधारित संकल्प लेने के लिए प्रेरित किया गया। इस संकल्प प्राप्ति के लिए सेवाओं या वस्तुओं की खरीद की प्रक्रिया को सरल बनाना आवश्यक था, इसलिए पंचायती राज मंत्रालय ने ई ग्राम स्वराज और GEM यानी गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस के बीच ये इंटरफेस तैयार किया है। GEM पर पंजीकरण कर पंचायतें गुणवत्तापूर्ण वस्तुएं एवं सेवाएं प्राप्त कर सकती हैं। साथ ही गांव के छोटे विक्रेता इस अभूतपूर्व अवसर का लाभ उठाकर अपनी आमदनी में वृद्धि कर सकते हैं। आइए साथ मिलकर हम सब द्वारा देखे गए डिजिटल इंडिया के सपने को और सुदृढ़ करें, क्योंकि सशक्त पंचायतों से ही होगा सशक्त भारत का निर्माण।